कि यहाँ जो भी चीज लगेगी गांव के जिम्मेदार बैठ के, मुझे सबसे पहले ये मस्जिद को थोड़ा बड़ा करना है, मस्जिद का एरिया नया बनाना है और जो सामने का जो हमारा एरिया है उसको यहाँ 1 करोड़ रुपए और मैंने निधि अपना इस साल के लिए 1 करोड़ रुपए का निधि अपने इस बिरादरी के लिए, यहाँ जो तमाम हमारे शादियां होती है उनको सब चीज होना उमर सरपंच साहब का। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, जितने भी वीडियो बनाए हमने डोंगरगांव इस्तमा के, तो माशाल्लाह यहाँ हमारे सिल्लोड़ के मंत्री अब्दुल सत्तार साहब भी यहाँ आए थे सभी दूल्हों को मुबारकबाद देने के लिए। तो इसमें आपको हमने जानकारी दी, जितने भी वीडियो बनाए हमने इस्तमा के, तो पूरे एक एक करके अपलोड करेंगे। अरे अब्दुल सत्तार साहब ने क्या बोले सभी के लिए, तो वीडियो में पूरी लास्ट तक देखना चाहिए। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्री साहब भी आ गए, अब्दुल सत्तार साहब यहाँ इस्तमा में पहुँच चुके हैं, देखिए सभी गाड़ियों के साथ। तो दोस्तों उस तरफ से आ रहे हैं, ज्यादा करते हैं खुशूसर हमारे सबके चहेते महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री आमदार अब्दुल सत्तार साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं और साहब ने कल भी यहाँ पर आकर विजिट दी थी। हम साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि साहब बार बार इतनी मसरूफियत के बावजूद हमारे पास आकर हमारी रहबरी कर रहे हैं। हम साहब का वेलकम करते हैं, सुस्वागतम करते हैं, आला व सहला व मरहबा बिकुम करते हैं। मैं वापरने वाले हूँ, सब अपने वापरने पर ध्यान दो, साहब हमारे अपने हैं। और खुसूसन आमदार साहब को ये बात बताना चाहते हैं कि साहब आप जब कल आए थे तो ये जगह कैसी थी और आज जब आए तो ये मंजर कैसा है। ये हमारे नौजवानों ने जब से आप गए हैं तब से लेकर अब तक मुसलसल जागकर ये काम किया है। मैं साहब से कहूंगा कि साहब स्टेज पर आकर हमारे नौजवानों की हौसला अफजाई करें। मंत्री साहब आ रहे हैं हमारे, जो यहाँ के सिल्लोड़ था हमारे आमदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और साहब से गुजारिश करते हैं कि साहब आकर दो जुमले हमारे नौजवानों के हौसला अफजाई के लिए स्टेज से आकर कहें। मंत्री साहब आ रहे हैं यहाँ हमारे अब्दुल सत्तार साहब। भाई डोंगरगांव के जो नौशा है वो स्टेज पर आ जाए, डोंगरगांव के नौशा, डोंगरगांव के नौशा अगर कंपाउंड में है तो स्टेज पर आ जाए। हम साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साहब का आप कल आए थे तो ये मंजर कैसा था और आज कैसा है, दो जुमले हमारे नौजवानों के लिए। आज मेवाती बिरादरी की तरफ से जो इज्तमाई शादियां रखी गई है यहाँ, जितने तमाम नौशा, तमाम हमारे यहाँ की दुल्हने और दूल्हे दोनों को मैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और सिल्लोड तालुके ने डोंगरगांव में जितने हमारे बिरादरी के लोग रहते हैं उन सब जिम्मेदारों ने अपने हिसाब से जो कुछ यहाँ हिस्सा लिया। कल मैं आया था, बहुत काफी यहाँ इधर मस्जिद का काम थोड़ा बड़ा करने का के लिए हमने अपने गांव के जिम्मेदारों से मिलने के बाद, और वो फैसला इसलिए लिया गया कि यहाँ इतने बड़े पैमाने पर जब शादियां होगी तो जाहिर है कि उनको बैठने के लिए, उनको वहाँ खाना खाने के लिए जो एक डोम बना रहा है, ये डोम के बाजू में और एक डोम बनेगा नौशा और दुल्हा दुल्हन के लिए, वहाँ एक प्राइवेट 3 रूम बनाए जा रहे हैं, वहाँ संडास बाथरूम अटैच रहेंगे ताकि उनको ड्रेस चेंज करना, कपड़े चेंज करना, हिजाब कबूल करने के लिए वहाँ जाना, ये सारी चीजें जो फॉर्मेलिटीज होगी वो वहाँ होगी। ये यहाँ जो तालाब है
इसको भरने का काम होगा, ये सब पूरा भरा जाएगा, इसको वॉल कंपाउंड घेरा जाएगा। और मैंने निधि अपना इस साल के लिए 1 करोड़ रुपए का निधि अपने इस बिरादरी के लिए, यहाँ जो तमाम हमारे शादियां होती है उनको सब चीज होना, उमर सरपंच साहब का और उनका वहाँ जो खेती है अभी तक वहाँ होती थी, लेकिन बारिश की वजह से कई किसानों के नुकसान हुए, उनके पंचनामे करने का आदेश दिया गया, किसके पत्थर उड़ गए, किसी के घर को थोड़ा डैमेज हो गया, ये सारी चीजें जो है ये वक्त पे होना चाहिए, इनके पंचनामे होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ के नौजवानों को मैं मेरी तरफ से आपकी तरफ से मुबारकबाद दूंगा कि एक अच्छा काम जब सब भाई एक साथ जुड़ जाते हैं। मेो बिरादरी हमारे मुसलमानों में इतनी बड़ी बिरादरी है, क्या उनका जो भी सामाजिक काम, जो हमारे गांव का काम या मस्जिदों का काम होगा, सब चीजें करने से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कोई पार्टी का होगा, कोई भी किस ग्रुप का होगा, कौन से खानदान का होगा, इसके बजाय वो यहाँ काम कर रहा है। मैं पहली बार अब्दुल अजीज को भी काम करते देख रहा हूँ, उन्हें जिंदगी में कभी अपने खुद की बच्ची की शादी में भी भरता नहीं, लेकिन यहाँ भरते दिख रहा पहली बार, जब मैं आया बोल के दिख रहा है, मालूम नहीं मुझे, लेकिन है, ये 9 बजे आया, लेकिन 9 आया जब मैं रेडी था, जब यहाँ का प्रोग्राम रेडी नहीं था। मैंने 2 बार फोन किया कि यहाँ तैयारी क्या है, वहाँ भी मेरे पास मेरी फुफ्फू के लड़के की शादी है, मोइन पठान जो हमारे नगर पालिका के, उनकी लड़की की शादी होने की वजह से वो शादी करके मुझे फिर यहाँ आना पड़ा, वहाँ शादी में नहीं गए तो फिर बोलते मंत्री बन गए, अपने लोगों को भूल गए, ये एक परेशानी नहीं रहती है, इसलिए मैं लेट भी आया, लेकिन फिर आपके साथ हूँ। ये बात की मैं आपको इसलिए गवाही दे रहा हूँ कि यहाँ जो भी चीज लगेंगी गाँव के जिम्मेदार बैठ के, मुझे सबसे पहले ये मस्जिद को थोड़ा बड़ा करना है, मस्जिद का एरिया नया बनाना है, और जो सामने का जो हमारा एरिया है उसको आधी आधी दीवारें उठाएंगे, उसका सुशोभीकरण किया जाएगा, उसको गेटअप दिया जाएगा, अर्जेंट था इसके लिए, पंखे से लेके कोई एक आधा नौशा के लिए एसी रूम भी बना देंगे, क्या फर्क पड़ता है। आज अपन जो दुकान में बैठे हैं वो दुकान डायरेक्ट देना बैंक है, पूरे राज्य भर को जब देते हैं तो अपने चुनाव क्षेत्र में यहाँ के 20 सेंटर के अंदर एक हाईमास होना, वो हाईमास का भी ठहराव ग्राम पंचायत से लिया जाएगा, ताकि मेंटेनेंस उनका काम रहेगा, उसको भी पैसा दिया जाएगा, और उसका वॉल कंपाउंड भी आने वाले साल को जब शादियां होंगी तो वॉल कंपाउंड सब तरफ से एकदम कंप्लीट अच्छा वॉल कंपाउंड बनाया जाएगा। पानी जो है यहाँ जो आज तलाव जैसी पानी की वजह से दिख रहा है, कल वो पूरी भर्ती हो जाएगी। ये सारे काम करते समय हमने थोड़ा थोड़ा डेवलप किया है, पहले ये एरिया में सबसे ज्यादा गांव के लोगों को अंदाज करने को यही आते थे, आज यहाँ लोग खाना खा रहे हैं, इससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। गांव के नौजवानों को मैं मेरी तरफ से फिर से एक बार मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया, समय शादियों के अंदर काम करना, इसकी दुआ भी अलग रहती है, वो दिखती नहीं। जब हमने यहाँ 1 करोड़ रुपए अभी खर्चा किए और 1 करोड़ रुपए नए खर्चा होंगे, तब यहाँ ये गांव का नाम डोंगर गांव और पहाड़ पे बैठा हुआ गांव, अजीज ने कनेक्शन इधर का उधर कर दिया तो और 2 DPR रात को चल गई, अभी कल सवेरे 10 बजे वो दोनों DPR आ जाएंगे, और DPR आने के बाद में एक आधे बार तू कम से कम खाना तो खिला।